जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए 26 जून को कलेक्ट्रेट परिसर में गहमागहमी के बीच भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी साधना सिंह ने 4 सीटों में अपना पर्चा दाखिल किया था, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनके प्रत्याशी को नामांकन पत्र नहीं दाखिल करने दिया गया। मजे की बात यह है कि जिस प्रत्याशी जितेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन करने के लिए ले गए थे, उन्होंने पर्चा ही नहीं खरीदा था। अब सवाल ये उठता है कि जब जितेंद्र यादव ने नामांकन पत्र खरीदा ही नहीं था, तो फिर किसके पर्चे को अपना पर्चा बताकर उसे भरकर पर्चा दाखिला करने और कैसे पहुंच गए, जिसे बाद में वायरल भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के तत्कालीन जिला अध्यक्ष अब निवर्तमान जिला अध्यक्ष नगीना साहनी ने 24 जून को राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत पत्र के माध्यम से जानकारी मांगी थी कि कितने प्रत्याशी को नामांकन फार्म उपलब्ध कराया गया है, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने 25 जून को ही राज्य निर्वाचन आयोग को सभी नामांकन पत्र लेने वालों की सूची उपलब्ध करा कर दिया था, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगीना साहनी के शिकायती आवेदन पत्र के संबंध में अवगत कराया गया कि गोरखपुर में 25 जून तक जिला पंचायत सामान्य निर्वाचन अध्यक्ष के लिए साधना सिंह ने 4 सीट में, आलोक कुमार गुप्ता ने 2 सीट में, धर्मेंद्र यादव ने 1, अर्चिता सिंह ने 1, मनोज मिश्रा ने 1, संगीता ने 1, सावित्री ने 1 और रामदयाल यादव ने 1 सीट में पर्चा खरीदा था, जिसमें 26 जून को समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी आलोक गुप्ता और धर्मेंद्र यादव पर्चा दाखिल करने ही नहीं पहुंचे। जब पर्चा दाखिला करने सपा के दोनों प्रत्याशी आलोक गुप्ता और धर्मेंद्र यादव नहीं पहुंचे, तो समाजवादी पार्टी ने जितेंद्र यादव को आनन फानन में 26 जून को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। जबकि जितेंद्र यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पर्चा ही नहीं खरीदा था, तो फिर नामांकन किस आधार पर किया जा सकता था, और सपाइयों ने प्रशासन पर झूठा आरोप लगाते हुए जनता को गुमराह करने का काम किया। जहां तक गेट पर हुई झड़प के वायरल वीडियो का मामला है, उसमें दिख रहा व्यक्ति ना तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी और ना ही वह जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रस्तावक या समर्थक ही था। वहीं भाजपा से साधना सिंह ने 4 सीटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अब सवाल यह उठता है कि जब समाजवादी पार्टी के जितेंद्र यादव ने पर्चा ही नहीं खरीदा था, तो किस आधार पर नामांकन दाखिल करने पहुंच गए और क्यों प्रशासन और जनता को गुमराह किया? या अपना फेस सेविंग के तहत सपा के जिला इकाई ने सभी को गुमराह करने की कोशिश किया? इन सभी बातों से समाजवादी पार्टी के आला कमान के अवगत होने पर प्रदेश के जिन 11 जिला अध्यक्षों को हटाया गया, उनमें पहले नंबर पर गोरखपुर के जिला अध्यक्ष थे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी साधना सिंह का निर्विरोध चुना जाना तय है, जिसका परिणाम 3 जुलाई को घोषित किया जाएगा।